अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले। जी तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाश्ते के चंद ग्लिम्प्स। और जी वैसे मैं मोस्टली ऐसे हैवी नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन आज जो है वीडियो बनानी थी आपके लिए, तो मैंने कहा चलें हेल्दी नाश्ता दिखाया जाए, शेयर किया जाए। तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने ये इतना नाश्ता अपने लिए रेडी कर लिया। वरना क्या होता है कि मैं सिर्फ एक चाय का कप लेती हूँ और एक ब्रेड का स्लाइस और बस, कभी कभार एग ले लिया हाफ फ्राई। मतलब मेरा कुछ पता नहीं होता कि मैंने नाश्ता क्या करना है, लेकिन ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया। और यहाँ पे जी कुछ राइस बॉईल हो रहे हैं मेरी नीस फातिमा के लिए, और ये जी न्यूटेला चॉकलेट पुडिंग बन रही है और बहुत ही यमी बनी थी, जो कि माना बना रही है मेरी सिस्टर। इनका चैनल है द आर्टिस्ट माना के नाम से, ज़रूर जाइए फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपको इसकी रेसिपी भी मिलेगी मेरे चैनल पे। तो ये जी इन्होंने कुछ जो बनाई थी न्यूटेला पुडिंग, और उसकी फाइनल लुक ये है जो कि मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, और बहुत ही यमी और मज़ेदार बनी। इसकी जी ज़रूर रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। और एज़ यूजुअल फातिमा जो है वो शौकीन है केक काटने के लिए, तो बस फिर उसके सामने केक आ जाए तो वो केक को अपने स्टाइल से काटती है जैसे काट रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ वेरी क्यूट। अल्लाह ताला इसके नसीब और किस्मत अच्छी करे और इसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। सो ये जी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और मैंने सोचा कि अभी जो है व्लॉग की तैयारी की जाए, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है। जी हाँ, इस तरह के फंबल्स जो हैं वो हो जाते हैं। सो मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और क्या, और जी मैं करने लगी हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट। और आज क्या होगा आप व्लॉग को देखिएगा एंड तक, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपका और मेरा हम सबका मुकद्दर हो। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको मेरे किचन में क्या रेसिपी मिलने वाली है ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप जाके मेरे किचन में देखिए। और जी आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूवमेंट, इस तरह से चेंजिंग भी ला रही हूँ, इम्प्रूवमेंट भी ला रही हूँ। लाइक मैं ये चाह रही थी कि जैसे कुछ सालों पहले मॉर्निंग शो होते थे, उस तरह का कुछ व्लॉग को बनाना चाहिए कि सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर दें। तो जो रेसिपी है वो आपको, उसका जो सेगमेंट टाइटल है वो मिलेगा महरीन द किचन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे पंजाबी बोलने का शौक है, तो पंजाबी में आपको रेसिपी मिला करेगी, तो जरा फन भी हो जाएगा। और जो हमारा पंजाब का एरिया है, जो देखने वाले हैं वो जरूर इसको रेसिपी को देखेंगे भी सही, एंजॉय भी करेंगे और जरूर ट्राई भी करेंगे। और जिनको उर्दू आती है और पंजाबी समझ आती है तो उनके लिए भी इजी है। तो अपने कहते ना कि अपना चैनल है, अपनी मर्जी है, तो अपने शौक पूरे करने ने ते नाल अपना काम भी करना है, तो तुसी जुड़ते जाओ मेरे नाल ते ज्वाइन करते जाओ मैनू। ते हुण जिहड़ा मैं तुहानू दसनी आ कि मैं अपने उस सैगमेंट का नाम की रखे है, जी मैंने उसका नाम रखा है महरीन द किचन। तो महरीन द किचन जो है पंजाबी में भी टाइटल उसका आएगा, और जो है महरीन द किचन इंग्लिश में भी उस स्टाइल में आ जाएगा। तो जो है टू साइड्स उसकी बड़ी मजेदार सी जो है आपको नजर आ जाएंगी जब मैं उसको डिजाइन करूंगी उसके टाइटल को, तो आप जरूर इंजॉय करेंगे।
अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप देखिएगा कि आज आपको क्या देखने को मिल रहा है, और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरखान को लगाइएगा चार चांद और अपनी फैमिली से दाद वसूल कीजिएगा वाह वाह की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो मैं थोड़े नाल आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार उमदा वधिया रेसिपी, उमदा ते वधिया फ्रूट्स ने जिदे च तुसी लेना है दो एप्रीकॉट यानी कि आड़ू ते छे तो सत पीसिस तुसी आलू बुखारा प्लम लै लवो ते थोड़ी जी चीनी ते काला नमक तुसी लेना है। तो सब तो पहले तुसी फ्रूट नू चंगी तरह धो लवो ते फिर उन्हों पील ऑफ करके छिलके उतार के इस तरह फ्रूट कट के बड़ा सोहना जिहा वधिया जिहा ते उन्हों ग्राइंडर जग च पा लो ते नाल ही तुसी उहदे विच दो चम्मच वड्डे खाण वाले जिहड़े चावल खाण वाला चम्मच हुंदा है लाइक इस तरह जो स्क्रीन ते तुहानूं नज़र आ रहा है ते दो चम्मच तुसी भर के जग दे विच पा देने ने ते नाल ही तुसी थोड़ा जिहा नमक लैणा है लाइक टू पिंच ऑफ नमक, टू टेबल स्पून तुसी शुगर लईए चीनी लईए ते नाल ही तुसी डेढ़ गिलास पानी दा भर के जग दे विच पा देना है। ते काला नमक तुसी किसी भी कंपनी दा लै सकते हो ते तुसी टू पिंच ऑफ काला नमक जग दे विच पा देना है। ते नाल ही हुण इस दा ढकना बंद करके असी एक ग्राइंड करांगे ते ग्राइंड करन दे बाद जिहड़ा जे है बड़ा ही मज़ेदार ते वधिया जिहा जूस तैयार हो जाएगा। ते ऐ जी तुहाडा खून भी वधांदा है ते तुहानू सोहना भी करदा है, तुहाडे रंग नू भी गोरा करदा है। तो जड़ा ना तुसी फ्रूट जड़ा अपनी गिजाए जरूर शामिल रख्या करो क्योंकि फ्रूट्स जड़े ने वो बड़े जरूरी ने। जी जी ते हुण जी मैं गिलास ते किनारियां ते उत्ते बड़ा वधिया जिहा डिजाइन बना लिया। तुसी हुण आइस क्यूब्स पाओ गिलास दे विच ते नाल ही पा दिओ जूस। ते हुण जड़ा है तुसी पेश करो मेहमानां नू अपने पेरेंट्स नू। मैं अपने पेरेंट्स लई बनाए सी ए जूस ते उन्होंने ये पीता ते बहुत ही तारीफ की, बहुत ही वधिया जिहा ते बहुत ही खुश जायका खूबसूरत जड़ा जूस है तैयार होया है ते उन्होंने बड़ा पसंद आया। तुसी भी जरूर अपने पेरेंट्स वास्ते अपने फ्रेंड्स वास्ते अपनी फैमिली वास्ते ये जूस जरूर ट्राई करो ते तुहानू भी मज़ा आ जाएगा वधिया जिहा तुसी ये जूस तैयार करके उन्होंने पेश करो ते नाल ही दाद लवो वाह वाह दी ते नाल ही तुसी दस्तरखान नू ला दिओ चार चांद। सो तुसी मैनू दस्या जे कि तुहानू किस तरह लग्या ऐ जूस दी रेसिपी कमेंट बॉक्स विच जरूर मैनू दस्या जे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विच मैं तुहाडे नाल होवांगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी नाल। होपफुली तुसी ए भी इंजॉय कीती होएगी ते बहुत ही ईजी झटपट क्विक रेसिपी है। जूस बनाओ हुणे जाओ ते बना के पियो ते अपना खून जिहड़ा है वधा लवो ते जिहड़ा है ना आयरन वधाओ, बॉडी दा बड़ा ही जरूरी है। ते नाल ही हुण असी अगले सैगमेंट जावांगे, मेरे नाल रहिया जे। जी तो वेलकम है आपका माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी के सेगमेंट में। इसमें जी न्यू कलेक्शन आई है एम डॉट आई फैशन कलेक्शन की, जिसमें बहुत ही खूबसूरत पर्ल्स की माला है और इसके अलावा जो है एयर रिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत और एलिगेंट पीसेस आए हुए हैं। आप ज़रूर जाके पेज को विज़िट कीजिए, ऑर्डर कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मुझे डीएम कर सकते हैं, प्राइजेस पूछ सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जितना ऑर्डर करेंगे और उसका जो है 20% हम अमाउंट जो है अपनी फाउंडेशन को अलखुशी फाउंडेशन को डोनेट करेंगे, और जितने भी मेरे रेगुलर जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वेलविशर्स हैं, जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो उन सबको पता है कि जी एक फाउंडेशन है मेरी अलखुशी फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने ये पेज बनाया हुआ है और पेज का नाम है एम डॉट आई फैशन कलेक्शन। आप ज़रूर जाइए पेज पे विज़िट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट ज्वेलरी आपको मिलेगी देखने को और आप ज़रूर उसको बाय कीजिए और इस खूबसूरत और नेक काम में साथ जुड़ते जाइए। जी तो आज की अच्छी बात में मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि अपने आप से प्यार कीजिए, और कभी भी जिंदगी में कोई मोड़ भी आए, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और ना ही हौसला हारना है। हमेशा कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की जो जात है उस पर भरोसा रखना है और उसी रस्सी को आपने मजबूती से थामे रखना है और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, क्योंकि उसी ने करना है, वही करेगा और वही
आपका बेड़ा पार कर देगा इंशाल्लाह ताला। जो आपकी नैया है वो जरूर पार लगेगी। आप बस ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें, और यही दुआ मैं करूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी और बद नजर से बचा के रखें। आप भी प्लीज अपनी दुआ में मुझे शामिल रखें, मेरी फैमिली को शामिल रखें। अल्लाह ताला मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, हम सबको हर बुरी और बद नजर से बचा के रखें, और हमारे रिस्क में बहुत बरकत दें, हमारे किचन को हमेशा सात रंग के खानों से भरा रखें। और जितने मेरे प्यारे वेल विशर्स मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए भी बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां आपको अता फरमाए, और आपके किचन को भी हमेशा सात रंग के खानों से भरा रखें। अपनी दुआओं में इसी तरह से हमेशा याद रखें मुझे भी, और मैं भी आपको याद रखती हूँ। और इसी के साथ ही यही कहूंगी कि अपने आप से प्यार करें और अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं होगा तो बेहतरीन जरूर होगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखना है। अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें कि या अल्लाह मैंने ये काम शुरू किया है और इसका जो है वो आपने ही जिम्मा उठाना है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत ज्यादा, कहते ना कि मेरा ईमान है कि हम जब अल्लाह ताला पे कुछ छोड़ देते हैं ना तो बस वो कभी भी बुरा नहीं करेगा। जो अल्लाह की जात 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करती है तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी, बुरा नहीं करेगी। और ये सांस जो है वो हमें दी ही अल्लाह ने है, तो अगर ये सांस अभी निकल जाती है तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है ना, तो हमने अल्लाह की मर्जी पे चलना है। तो अल्लाह ताला हम सबसे राजी हों, हमें खुशियां दें, कामयाबियां दें, जिसकी हम हर वक्त दुआ करते हैं। तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे m.ifashioncollection पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अलखुशी फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे, और mann.pasand.homebakery को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मेहनत का फल बहुत अच्छा और खूबसूरत देना है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला को भी मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग बस ये सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे जो है चैनल को, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये अच्छे अच्छे और खूबसूरत से व्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। और आप जो है, अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है मेरी किसी एक बात पे भी, तो मैं समझती हूँ मेरा फर्ज पूरा हो गया। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत अच्छा करें, हमें खुशियाँ दें और बहुत सारी कामयाबियाँ दें। सो इसी बात के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।